और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आगरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेश्वर पहुंचे हैं। मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। पूजा के बाद अटल जी की अस्थियों को विसर्जित किया। आपको बता दें कि पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को 100 अलग अलग नदियों में प्रवाहित करने की बात की जा रही थी, अलग अलग राज्यों में, आपको बता दें। और योगी आदित्यनाथ ने यहां पर अस्थियों को विसर्जित किया, बटेश्वर मंदिर पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक गांव है बटेश्वर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेश्वर के रानी घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया। इस समय अटल जी का परिवार भी उनके साथ था। बटेश्वर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव होने के साथ मंदिरों की श्रृंखला होने का भी गौरव है। साथ ही यहां यमुना नदी उल्टी दिशा में बहती है, जिस माटी में अटल पले और बड़े, उस बटेश्वर में उम्मीदों के आसमान पर कभी विकास का सूरज नहीं चमका। विकास के जो सपने ग्रामीणों ने देखे, उन्हें साकार करने को जागरण भी साथ खड़ा रहा। आपको बता दें कि बटेश्वर में विकास की धारा बहाने को जागरण ग्रामीणों की आवाज बनना चाहा, चाहे वहां के ऊबड़ खाबड़ रास्तों की बात हो या फिर वहां तक बस की सुविधा हो। सीएम के आगमन पर विकास की बरसों से प्रतीक्षित सौगातों के मिलने की उम्मीद ग्रामीणों ने संजो रखी है। आपको बता दें कि पूजा के बाद अटल जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का पैतृक गांव है बटेश्वर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेश्वर पहुंचे हैं, यूपी के आगरा में, और वहां पर मंदिर में पूजा अर्चना की।